मेरे को 20 साल हो गए इस मुस्लिम फंड में पैसे जमा करते हुए। मेरे पास 20 रुपये 50 रुपये जैसे भी होते हैं, मैं अपना इकट्ठा जमा धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रही थी पैसे, और मेरे 70-80 हज़ार रुपये से मैं है। और मुझे जैसे ही पता चला तो मैं तुरंत आ गया, हमें पता करा मैंने। सर बैंक में सिलेंडर ने बस, हम गरीब इंसान हैं, इतने बैंक में थोड़ा मोटा पैसे जमा किया जाता है, इतना नहीं किया जाता कि 20-20 रुपये किया जाएगा खाते में। घर में जितना 50 रुपये घर में ही आ जाता है लेने, तो हम घर से ही पकड़ा देते हैं उसे, वो घर से ले जाता है बैंक में, हम फिर इतनी दूर जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, समय बर्बाद होता है। इसलिए हम घर पे आता है वो 20 या 50 रुपये लेना है, वहीं के वहीं जमा कर देता है और इस कॉपी में उससे चढ़वा लेते हैं। गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे लेकर फरार हुए अब्दुल रज्जाक को तलाशने के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, ज्वालापुर क्षेत्र में एक मुस्लिम फंड नाम का एक सोसाइटी संचालक था अब्दुल रजाक, इसके द्वारा कई हज़ार लोगों के जो हैं यहाँ पर खाते खुलवा कर पैसे डिपॉजिट कराए गए थे, परंतु आज ये बताया गया है कि ये कल से जो है ये फरार चल रहा है और इसकी कोई कुछ अता पता नहीं है। इस संबंध में काफ़ी लोग थाने पर इकट्ठा हो गए थे कोतवाली ज्वालापुर में, और उनमें से एक आदमी ने तहरीर दी थी जिसके करीब 2,80,000 यहाँ जमा थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ एक FIR दर्ज करी गई जो धारा 420-406 की थी, और उसकी देखा देखी जो है अन्य लोग जो है जिनके और पैसे जमा है तो वो भी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं और उसे हम विवेचना में शामिल करेंगे। नहीं, एक्चुअली ये बता रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि ये कल से जो है अपने घर पर नहीं आया, और ये 2 दिन से ये मुस्लिम फंड की जो ऑफिस है ये भी नहीं खोला जा रहा था, तो लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था कि कहीं ये फरार हो गया है या हमारे पैसे संभावना है कि नहीं डूब गए हैं, इस वजह से लोग जो आए और इस पे FIR दर्ज करी गई।